अस्सलाम वालेकुम। आइए हम कांदे वाले भजिए बनाने जा रहे हैं, कांदा भजिए बोलते हैं जिसे। ये हमने 4 से 5 मीडियम साइज के कांदे लिए हैं। बेसन है हमारा 200 ग्राम। इसमें डालेंगे हम थोड़ी अजवाइन, जीरा, हरी ये कोथमीर, थोड़ा लहसुन काट के डाल रखे हैं हमने। ये हरी मिर्ची है छोटी वाली जो तेज आती, वो मिर्ची है। थोड़ी हल्दी डालेंगे इसके अंदर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और ये है हमारा खाता सोडा डालेंगे हम। आइए सबसे पहले हम कांदे डालते हैं इसके अंदर। एक कांदे डालेंगे हम इसके अंदर, थोड़ा जीरा डालेंगे इसके अंदर हम। जीरा है हमारा 2 चम्मच जीरा लिए हमने, 200 ग्राम बेसन है हमारा इसलिए। थोड़ी अजवाइन है, अजवाइन डालेंगे हम। थोड़ी से मसाले लेंगे इस तरह से, स्वाद अच्छे से निकलेंगे उसका। थोड़ी हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, और हमारे कोथमीर, मिर्ची, लहसुन काटे हुए हमने वो डाल देंगे इसके ऊपर। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये नमक है हमारा, हमने अपने हिसाब से लिए, आपको कैसा पसंद है आप उतना डालिए। थोड़ा खाता सोडा है, थोड़ा खाता सोडा डालेंगे हम इसके अंदर, अच्छे से नरम भजी आएंगे हमारे और फूलेंगे। थोड़ा हम मिला लेंगे हाथ से। थोड़ा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है हमें, थोड़ा तेल डालेंगे इसके अंदर हम। आधी चम्मच करीब तेल डाला है हमने, पहले थोड़ा हाथ की मदद से कलाएंगे। थोड़ा पानी इसके अंदर डालेंगे हम, बेटर हम तैयार कर लिया है और तेल रख दिए हमने गर्म होने के लिए। बनाएंगे इसके भजिए, कांदा भजिए जो बोलते हैं, बनाएंगे हम। हाथ में आज पे पकाना है हमें इसे, ताकि जल ना जाए और अंदर से पक जाए, हमारे अंदर से कच्चे ना रह जाए, इसीलिए थोड़ी धीमी आज पे बनाएंगे हम। इस तरीके से लाल हो जाएंगे तो टेस्ट नहीं अच्छा आएगा, इसका कड़वा टेस्ट आएगा। ये देखिए छोटे छोटे हमारे कांदे भजिए कैसे खूबसूरत लग रहे हैं, बस खुशबू तो वाह, खुशबू का क्या कहना है। इस तरीके से धीमे आंच पे बनाएंगे हम इसे। आइए हमारे कांदे भजिए बनके तैयार है, आप भी ट्राई कीजिए।
हमारे कांदे भजिया कैसे बने हैं